हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास एट का मैथ्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वन रेशनल नंबर, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें थ्री प्रॉपर्टीज हो चुका है। ये लास्ट प्रॉपर्टीज है जिसे हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स किसी भी नंबर को अगर हम लोग इस तरह से राइट करते हैं a इंटू बी प्लस सी, इसको कैसे करते हैं? तो इसका सॉल्व करने का रूल्स होता है, पहले a को b से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए बी, प्लस a को c से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए सी। सो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ते हैं एडिशन। थ्री नंबर लेट करते हैं लाइक ए टेंस टू बी इंटू सी टेंस टू डी प्लस ई टेंस टू एफ। इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर में इसको राइट कर सकते हैं। सो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है ए टेंस टू बी इंटू सी टेंस टू डी प्लस ए टेंस टू बी इंटू ई टेंस टू एफ। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेते हैं, लाइक हम लोग ए इक्वल टू 2 लेट करते हैं एंड b इक्वल टू 3 लेट करते हैं एंड ब्रैकेट में c इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 3 लेट करते हैं प्लस e इक्वल टू 4 एंड f इक्वल टू 3 लेट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टेंस टू 3 इंटू 1 टेंस टू 2, मीन्स 2 टेंस टू 3 इंटू 1 टेंस टू 3 प्लस, फिर से इस नंबर को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टेंस टू 3 इंटू 4 टेंस टू 3 और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2 टेंस टू 9 प्लस 8 टेंस टू 9 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टेंस टू 9। तो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एडिशन निकालते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही कंडीशन होता है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हम लोगों को नंबर को माइनस कर देना है और एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देना है। सो अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल को लेकर चले तो यहाँ पे हम लोग 2 टेंस टू 3 इंटू 1 टेंस टू 3 माइनस 4 टेंस टू 3 करते हैं। सो ये इक्वल टू में हो जाएगा 2 टेंस टू 3 इंटू 1 टेंस टू 3 माइनस 2 टेंस टू 3 इंटू 4 टेंस टू 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 टेंस टू 9 माइनस 8 टेंस टू 9 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 टेंस टू 9, जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में ओनली टू टर्म्स फॉलो होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि किसी नंबर, मान लो कोई नंबर आपके पास ए दिया हुआ है, ए का अपोजिट कर दो तो ये हो जाएगा माइनस ए, दैट इज कॉल्ड टू बी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसका आंसर ऑलवेज जीरो आता है। लाइक अगर प्लस ए है और माइनस ए करते हैं तो इसका आंसर जीरो आता है। बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं तब ये जीरो आता है, बट अगर आपको एडिटिव इनवर्स लिखने के लिए बोला जाए तो अगर मान लो आपके पास माइनस 2/3 दिया हुआ है तो आप इसको अपोजिट करके लिख सकते हो 2/3। अगर मान लो आपके पास नंबर दिया हुआ है -3 तो आप इसको लिख सकते हो इक्वल टू में 3। सो 3 इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ -3। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक p टेंस टू q। p टेंस टू q का अगर हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो वो हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल मीन्स क्या हुआ कि जिसका मल्टीप्लीकेशन में जो भी नंबर दिया हुआ है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाना है। देखो, जो ऊपर में नंबर होता है वो होता है न्यूमिनेटर और जो नीचे में नंबर होता है वो होता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखो, ये p टेंस टू q दिया हुआ है, अगर हम लोग इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा q टेंस टू p। देखो, हम लोग एक एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं, 3 टेंस टू 2 लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 2 टेंस टू 3। तो एक चीज़ आप याद रखना, जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ऑपरेट करोगे तो इसका आंसर जो है वो ऑलवेज 1 आता है। जैसे एडिटिव इनवर्स को हम लोग ऑपरेट करते हैं तो इसका आंसर 0 आता है, सेम उसी तरह से अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ऑपरेट करते हैं तो इसका आंसर 1 आता है। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे 3/2 इंटू 2/3 करते हैं तो 3 के टेबल में 3 कट जाता है, 2 के टेबल में 2 कट जाता है, तो इसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी भी नंबर को रेसिप्रोकल करना। अब देखो, हम लोग एग्जांपल में एक नंबर लेते हैं 3। अब 3 तो एक सिंगल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? कोई भी नंबर अगर सिंगल होता है तो उसके डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 होता है, ठीक है? तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1 टेंस टू 3। ऑलवेज अगर कोई भी आपके पास सिंगल नंबर दिया हुआ है, अगर आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो आप उसके न्यूमिनेटर में
वन कर दोगे और डिनोमिनेटर में जिसको आपको इन्वर्स करना है उसको राइट कर दोगे। तो इस तरह से आज की क्लास में रेशनल नंबर का सारा इंट्रोडक्शन टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एग्जांपल देन उसके बाद एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को कम्प्लीट करेंगे। सो इस तरह के वीडियो को वॉच करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।